पेशावर के मैच में थोड़ी सी बात रजाक भाई, आज बाबर ने 46 रन बनाए 42 बॉलों में, 109 का रन रेट, पिच मुश्किल थी या स्लो खेले बाबर? नहीं, पिच का देखा पहले मैचों में भी ऐसा ही हो रहा है, 147 ही डिफेंड हुआ है और मैं समझ 15-20 रन शॉर्ट है, 15-20 रन शॉर्ट। अगर नीचे से जैसे स्टार इनको मिला है, अर्ली विकेट गिर गई इनकी सैम की, हाँ। फिर भी इन्होंने एक टाइम आया था कि बिल्कुल कंट्रोल में था मैच, 12 ओवर में 90 स्कोर थे इनके, तो जो 8 ओवर थे अच्छी तरह नहीं खेले इन्होंने, 8 ओवर में सिर्फ हार्डली को इन्होंने 50 रन बनाए, मगर डेथ बॉलिंग भी अच्छी कराई कायनात मुल्तान ने, बॉलिंग अच्छी करवाई है। उसामा के अब अगर स्टेट्स देखें तो उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, और इस बार उन्होंने रिजवान ने बॉलर्स अपने ज्यादा यूज किए, तो यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉलर्स वाज रियली गुड। और साइम की जो विकेट गिरी ना, वो बाबर की, बाबर को वहाँ पे सेटबैक हुआ होगा डेफिनेटली, क्योंकि वो साइम ज्यादा तेज खेलते हैं तो ऑटोमेटिकली बाबर का वो कंपनसेट हो जाता है सारा। बिल्कुल ठीक बात की रजाक भाई, मुल्तान हर साल तकरीबन फाइनल में पहुंच जाती है, ऐसा क्या खास करते हैं नियत के अलावा, क्या अच्छा होगा? देखिए बात एक कॉन्फिडेंस की बात है, और रिजवान को मैं क्रेडिट देना चाहूंगा क्योंकि ये कैप्टन का बड़ा अहम रोल होता है इसमें, ऐसा फ्रेंडली कैप्टन हो जो प्लेयरों को अंडरस्टैंड करता हो, उनको यूटिलाइज करना समझता हो, तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है, और जो अपनी ईगो पे रहते हैं कैप्टन वो हमेशा नुकसान देते हैं टीम के। किसकी तरफ इशारा है? आपकी तरफ। मेरी तरफ इशारा। वेरी गुड। वगार कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, आप बताएं। कायनात आपको तंग तो नहीं करती? नहीं, ज्यादा नहीं करती। आप खुद क्रिकेट खेलते हैं? मैं खुद क्रिकेट खेलता हूं। क्या खेलते हैं, क्या करते हैं, बॉलिंग या बैटिंग? बॉलिंग करता हूं। बॉलिंग कराते हैं? राइट आर्म फास्ट बॉलर। राइट आर्म फास्ट बॉलर। वेरी फास्ट बॉलर। राइट आर्म मीडियम बॉलर। राइट आर्म मीडियम फास्ट। गली में टेबल से खेल रहे हैं, घर की बात घर में ही खत्म। राइट आर्म मीडियम वन टिप पे फास्ट। वन टिप पे फास्ट। इन्होंने कहा इंटरनेशनल क्रिकेटर तो बनते नहीं सकते, चलो इंटरनेशनल शादीशा कर लेते। शादी कर लेते। वाह, बहुत इंटरेस्टिंग। वो ज्यादा मुश्किल काम था, उन्होंने ये कर लेते। वेरी गुड रजाक, अच्छा किया आपने, अच्छा जोक, अच्छा किया, अच्छा जोक, मॉल लाइट कर दिया आपने। जी ये वो दावत पे जो पहला जोक किया जाता है ना माहौल को, हाँ हाँ, माहौल ठंडा करने, आइस ब्रेकर, आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी। अच्छा उस्मान भाई, आज रमजान की मुनासबत से कोई ठंडा जोक सुनाए जो अक्सर रमजान में सुनने को मिलता है। ठंडा जोक, आपने आज रोजा रखा था? कहाँ रखा था, कहाँ रखा था। अच्छा भाई ऐसा है, आज HMH कप के स्टार्ट से पहले हम पॉइंट्स टेबल पे नजर डालेंगे, और पॉइंट्स टेबल पे नजर डालने से पहले मैं जैक्स की तरफ मुतवज्जो हो जाऊँ कि जैक्स आप लोगों को मैं शुरू से बता रहा हूँ कि आप न सिर्फ पॉइंट्स दे सकते हैं बल्कि माइनस भी कर सकते हैं जो आपने जीते हैं, आप लोग सिर्फ दिए चले जा रहे हैं, तो ये बात याद रखिएगा कि नेगेटिव भी कर सकते हैं, और आपने स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने कि जो अगला खेल रहा है कहीं आपसे ऊपर तो नहीं है, तो उनके नेगेटिव कर दें ताकि वो आपसे नीचे आ जाए और आप ऊपर आ जाए। वक्त आ चुका है HMH कप खेलने का। बहुत शुक्रिया आज ये बताने का, आज ये इन्फॉर्मेशन देने का, बहुत शुक्रिया। नवाज जी।